हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे डबल डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी के हमारे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी BSc फर्स्ट टू फाइनल ईयर मैथ्स एंड फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है। तो देखिए, हमारे जो दिया गया क्वेश्चन है, जीरो से ए लिमिट दी है और जीरो से रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एच डी वाई, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समाकलन दिया है वो हम लिख लेंगे कि ये हमें दिया है, ओके। देन हम करेंगे कि पहले इसका वाई के सापेक्ष समाकलन कर देते। देखिए, यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे क्योंकि एक्स नियतांक है। y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, क्योंकि x का कोई भी समाकलन करते तो n प्लस वन बाई n प्लस वन होता है, तो y स्क्वायर बाई टू बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और जीरो से जो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट है वो हमें पुट कर देनी है, और dx के सापेक्ष अभी समाकलन करना है, तो ये हमने अभी रख दिया है। जीरो से ये लिमिट है, ये x के सापेक्ष है, ठीक है, यानी कि ये लिमिट है जीरो से ये एक्स के सापेक्ष है, और y वाला हमने समाकलन कर दिया है, ठीक है, तो ये इसकी लिमिट अब पुट कर देंगे। जब इसकी लिमिट पुट कर देंगे, यानी वाई के वाले की लिमिट पुट करनी, यानी वाई स्क्वायर, यानी रूट का जब स्क्वायर करेंगे तब वाई स्क्वायर के सापेक्ष ये रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जीरो लिमिट पुट कर देंगे तब जीरो ही आएगा, तो ये आया माइनस जीरो। अब देखिए, डी एक्स है, जीरो से ये लिमिट है। देन देखिए, जीरो से ये लिमिट है, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे ये का ये आएगा डी एक्स। अब एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो देखिए यहाँ पर जब एक्स के समाकलन करेंगे तो जीरो से ए एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमने लिखा, यहाँ से कर देंगे एक्स के सापेक्ष समाकलन, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और ए स्क्वायर बाई टू ये बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ये ए स्क्वायर बाहर ले लिया, और दो नीचे थे, अब एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स एक और दो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर फोर हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, एक्स टू दी पावर फोर, नीचे भी फोर आएगा और दो नीचे है ही, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है ना, टू यहाँ पर कोष्टक में, तो एक्स टू दी पावर फोर बाई, यहाँ से गुणा करेंगे एट आ जाएगा, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। और जीरो से ए लिमिट है, अब हम ये लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि हमने जो समाकलन करना था एक्स के सापेक्ष वो हमने पूरा कर दिया है। जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो एक्स के सापेक्ष, देखिए एक्स की जगह ए लिखना है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक ही घात चार हो जाएगी, एक ही घात चार बटा चार माइनस एक ही घात चार बटा आठ हो जाएगी। अब इसमें से ये घटाना है, यानी कि इसमें से जब घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, देखिए एट क्रॉस गुणन कर दीजिए, एट ए टू द पावर फोर माइनस फोर ए टू द पावर फोर, तब हो जाएंगे फोर ए टू द पावर फोर बट्टा आठ सौ बत्तीस, यहाँ से कट जाएंगे तो एट फोर टू द पावर फोर बाई एट। इस प्रकार ये हमने जो डबल डिफरेंशियल कैलकुलस था इसको सॉल्यूशन कर दिया गया। प्रकार का जो लिमिटेशन समाकलन होता वो भी मैंने आपको सिखाया था चार प्रकार का, तो वो भी वीडियो की प्लेलिस्ट में सभी समझाए हुए वीडियो देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो करूंगा मैथ्स एंड फिजिक्स का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।